लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लगातार पलायन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रजातंत्र का खून कर रही है वो हम सबके सामने है। सन 1984 से इंदौर में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी एक लाख सीट थी, फिर क्या जरूरत थी कि कांग्रेस प्रत्याशी को डराने धमकाने की। भारतीय जनता पार्टी जनता को वोट देने से वंचित कर रही है। देखिए, ये तो जनमानस में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रजातंत्र का खून कर रही है वो हम सबके सामने, क्या जरूरत थी इंदौर में। सन 84 से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है ना, उनकी ए प्लस सीट थी, क्या जरूरत थी वहाँ पे प्रत्याशी को उस तरीके से डराना धमकाने। जो अघोषित डिक्टेटरशिप है, जो उनके सांसद कह रहे थे कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, निश्चित रूप से उसकी तैयारी है। वो प्रजातंत्र चुनाव में विश्वास नहीं कर रहे हैं, जनता को वोट देने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। कहीं डरा रहे हैं, कहीं 307 लगा रहे हैं, कहीं कॉलेज के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, कहीं उनके धंधे रोजगार की बात कर रहे हैं, और कहीं तरह तरह के लालच और प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अब ये अलग बात है, जो निष्ठावान लोग हैं आज भी डटे हुए हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है, और निश्चित रूप से विचारधारा ऐसी जो असंवैधानिक तरीके से प्रजातंत्र के खून करने वाली संस्था है उनके खिलाफ मुखर होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ देश का जनमानस ऐसे निर्णय का और इस तरह की जो हरकतें की जाती हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लालच जो होता है वो कहीं ना कहीं लोगों का मन विचलित कर देता है। अब कुछ लोगों का मन विचलित हो रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।